हाय फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपनी किचन से कैप्सिकम को कैसे ग्रो करेंगे। ये है मेरे कुछ शिमला मिर्च के प्लांट्स। फ्रेंड्स, ये है कैप्सिकम। जब जो हम कट करके जो इसमें से ऐसे सीड्स, ये सारे इसके सीड्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली सीड्स को इसको एज इट इज़ हम एक मिट्टी में डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये जो कैप्सिकम के सीड्स हैं, ये देखिए, ये मेरा कैप्सिकम का ही पॉट है। ये मैं सीड्स को बस ऐसे हम आसानी से इसको इसमें स्प्रिंकल कर देंगे और कुछ दिन के बाद ये सीड्स ये उग रखे हैं। ये कैप्सिकम के ही पौधे हैं जो अपने आप उगी है इन्हीं सीड से। अब हम इसको जैसे जैसे ये पौध बड़ी होती जाएगी, हम अपने दूसरे पॉट में या ज़मीन में जहाँ आप लगाना चाहते हैं वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, मेरे कुछ प्लांट्स ऑलरेडी मैंने लगाए हुए हैं। मैंने ये प्लांट्स कम से कम एक डेढ़ महीना पहले ग्रो किए थे, अब उतने अच्छे हो गए हैं। और मैं दिखाती हूँ, कुछ मेरे कैप्सिकम के ये प्लांट्स हैं। तो फ्रेंड, इस तरह आप आसानी से, जब इसमें थोड़ा कैप्सिकम लगेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा लगा है। इस तरह आप बहुत ही इजीली अपने घर में इसको ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड, इस प्लांट में भी हमेशा की तरह इसके अंदर मेरा लीफ मोल्ड है, इसलिए मुझे इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखा आपने, आप छोटे से थोड़े से एफर्ट से कितनी आसानी से इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इन प्लांट्स को बहुत ही इजीली अपने घर में ग्रो करें। थैंक यू।